As I mentioned in my previous interviews, wherever I've given interviews, that I'm going to retire right after the World Cup, and today was our last game, and I'm retiring from ODI cricket. And I had planned this a few years ago to retire on the last Pakistan World Cup match. I'm sad that I'll be leaving format of cricket I once loved, but happy that I'll have more time to spend with my family. This will also allow me to focus on T20s. I would like to thank some of the most important people whose support and backing helped me through these 20 years of international cricket. Starting with the players I shared dressing rooms with, all the coaches I have under, my friends and family, the media, my sponsors, the Pakistan Cricket Board and Pakistan Sports Board. But most importantly, my fans, who I love you all. Thank you. So now I can take questions. Hello. Yes, sir. Yes. मैंने मेंशन किया था बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में कि वर्ल्ड कप जो है वो मेरा 50 ओवर लास्ट वर्ल्ड कप है, और जैसे हमें पता है आज हम लोगों का लास्ट मैच था, और मैं रिटायरमेंट अनाउंस करता हूँ वनडे क्रिकेट से, और सैड ज़रूर हूँ, लेकिन ये है कि बस सेटिस्फाइड भी हूँ, और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने कोचेस का, जिनके भी मैं अंडर मुझे गाइडेंस मिली है, उसमें फ्रेंड्स हैं, फैमिली है मेरी अपनी, और मीडिया है, मेरे अपने स्पॉन्सर्स हैं, और पाकिस्तान पीसीबी है, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे फैंस. थ्रू आउट माई करियर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और आई लव देम ऑल. ठीक है सर, शोएब, यू स्टार्टेड योर करियर वे बैक इन अक्टूबर 1999, एंड इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 20 ईयर्स. यू मिस टू वर्ल्ड कप्स, द प्रीवियस वन इन 2015 एंड 2011. हाउ डिसअपॉइंटिंग दिस वर्ल्ड कप वॉज फॉर यू, बिकॉज यू आर प्लेइंग योर लास्ट वर्ल्ड कप एंड यू जस्ट मैनेज टू स्कोर 8 रन आउट ऑफ 3 इनिंग्स एंड गॉट वन विकेट. हाउ डिसअपॉइंटिंग वॉज फॉर यू? वेल इकबाल भाई, आई थिंक इफ यू गो थ्रू द होल थिंग, सम टाइम यू कम आउट विद अ परफॉर्मेंस, सम टाइम यू डोंट, बट ऑफ कोर्स इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म एंड एक्सपेक्टेशंस वर हाई, but you don't perform that life, but I think life never stops, and I'm pretty satisfied with my ODI career. Shoaib, aapne pehle bhi kaha jis tarah abhi bhi ke agle saal jo Australia mein T20 World Cup hai us pe bhi aapki nazar hai, to aapki jo abhi maujooda karkardegi hai usko dekhte hue aap kitne pur umeed hain ke agle saal World T20 bhi aap khel payenge? Dekhiye, agar मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि मैं कंपैरिजन नहीं करता किसी भी फॉर्मेट का किसी और फॉर्मेट के साथ, और मेरे टर्म्स ऑफ मेरा बैटिंग ऑर्डर जो है वो किसी भी नंबर पे भेजा जाता है. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि टीम के लिए खेला जाए, और मेरे ख्याल में अगर मैं खुद को देखूँ तो मेरी परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं T20 फॉर्मेट में कि वो वर्ल्ड कप के बाद एक और भी वर्ल्ड कप है. मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि माई गोल इज़ टू प्ले T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 जो 2020 में. 20 साल का तवील करियर, सबसे बेस्ट मोमेंट इस पूरे करियर का क्या होगा रहा आपका, और सबसे डिसअपॉइंटिंग या फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट कौन सा रहा, जरा अगर तफसील से ये बता सकते? देखिए, उसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि याद करना तो अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी बंदा उसी फ्रेम ऑफ माइंड में है कि यू रिटायरिंग, जिसके साथ आपको बड़ा लगाव हो वो एकदम आपसे छुट रही हो. लेकिन ये है कि जब भी जब हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तो वो मेरी बहुत मेमोरेबल जो है मेरे लिए वो मोमेंट है. और हाँ, डिसअपॉइंटमेंट ये है कि
वर्ल्ड टी20 भी हम लोग जीते हैं और मैं हिस्सा था टीम का, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं। यही एक ऐसी ट्रॉफी थी कि जिसका मैं हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन अफसोस है, लेकिन उसको कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की भी मर्जी होती है। शोएब, आप पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं आई, डू यू थिंक कि आप टी20 के लिए यू स्टिल लाइक गुड इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान? मतलब Sir, what do you think? Do I good enough for T20 format? Can you answer this for me, please? But देखिए, मेरे लिए runs करना या wickets लेना उससे ज़्यादा important है, जो कि T20 की जो most important चीज़ है वो fielding. तो I think अभी भी अगर captain मुझे भेजता है hot spots पे fielding करो जाके, तो मैं समझता हूँ और मेरी fitness अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है. मैं ड्रैग नहीं करता चीज़ें, मुझे शौक नहीं है बिल्कुल, और मेरे ख्याल में मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू प्ले अराउंड द वर्ल्ड एंड इवन अर्न मोर मनी, बट आई थिंक रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री इज समथिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और हाँ, मैं मतलब वो मुझे शौक नहीं है कि मैं ड्रैग करूँ चीज़ों को. जब मुझे खुद लगेगा कि मैं इंजॉय नहीं कर रहा, मेरी वैसी परफॉर्मेंसेज नहीं है कंसिस्टेंट, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं कोई फाइनल कॉल ले लूँगा. जिस तरह आपने कहा कि आप ड्रैग नहीं करते, क्लियर कर देते हैं, जब आपने वनडे क्रिकेट रिटायरमेंट लेनी थी बहुत अरसा पहले से आपने क्लियर कर दिया था, अब T20 नवंबर में या नेक्स्ट ईयर, तो क्या अब से क्लियर करेंगे कि वो T20 आपका आखिरी होगा, या जिस तरह अभी आपने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ उससे अगला भी फिट हूँ, तो क्या आज इसकी भी अनाउंसमेंट कर देंगे और 20 साल में आप अपने वनडे करियर से खुद शोएब मलिक मुतमईन है, लोग जो कहते हैं वो छोड़ें, खुद शोएब मलिक मुतमईन है? हाँ जी, बिल्कुल है और बिल्कुल मुतमईन हूँ मैं. हाँ, एक चीज़ का थोड़ा सा ये था अफसोस कि मैंने कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो की अपने बैटिंग ऑर्डर के उसमें, लेकिन वो मुझे एट द सेम टाइम खुशी भी देती है. वो ये खुशी देती है कि मैंने जो कुछ किया टीम के लिए किया और मुल्क के लिए किया, कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैंने इस नंबर पर खेलना, मेरा नंबर क्यों चेंज हुआ है, या ये हुआ है या वो हुआ है. तो मेरे ख्याल में उस हिसाब से मैं बहुत मुतमिन हूँ. हाँ, परफॉर्मेंसेज और बेहतर हो सकती थी, लेकिन मैं इन एंड आउट भी बहुत रहा हूँ. मैं 2010 से 2015 तक एक बड़ा लंबा अरसा था जिसमें मैं एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला, और उसमें मेरे ख्याल में बहुत चंद मैं वन डेज खेला था. और दूसरी बात यह है कि मैं गोल मेरा यही है कि 2020 जो वर्ल्ड T20 है नेक्स्ट ईयर उसमें, लेकिन अगर मेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिटनेस है और मेरी परफॉर्मेंसेज आई, फिर मैं उसी दिन डिसाइड करूंगा इंशाल्लाह कि मैंने और खेलना है या वो. शोएब मलिक, आपने खुद ही बोला कि फ्लेक्सिबल आपकी पोजीशन रही है, शायद आप वाहिद क्रिकेटर होंगे जो नंबर वन से लेकर शायद टेंथ तक हर पोजीशन पे खेले हुए हैं, लेकिन आपने भी बात की कि T20 में आपकी परफॉर्मेंस ऑफकोर्स बहुत अच्छी है, बट वनडे में भी अच्छी थी, आप मिकी आर्थर के मोस्ट ट्रस्टेड बैट्समैन थे कि मैच को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू हुआ 2-3 मैच के बाद आगे आपको ड्रॉप कर दिया गया, सबसे सीनियर प्लेयर थे. अब तो ऑफकोर्स आपका लास्ट है एज ए वनडे क्रिकेटर, बट फिर भी आप आइंदा के लिए क्रिकेट बोर्ड या टीम मैनेजमेंट को कुछ बताना चाहेंगे कि आप अगर सीनियर प्लेयर को कैरी किया जो आपको लगातार साल डेढ़ साल से मैच जितवा रहा था, उसको पूरे चांस देना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे जब आप हार रहे हो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो स्पेशली सीनियर से और वो परफॉर्मेंसेज ना आए, तो ज़रूर चेंज ज़रूर करनी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है. और देखेंगे टीम जीती भी है उसके बाद, जो है हम लोग कंटिन्यूसली वी वन 4 गेम्स, जो कि बहुत अच्छा साइन है. और मेरी जगह जो आया था उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया. बजाय मैं यहाँ क्रिटिसाइज करूँ कि ये हो गया या सीनियर को चांस देना चाहिए था या ये चीज़ें, मेरे ख्याल में मूव ऑन करनी चाहिए चीज़ों को जिससे बेहतर हो सके आपकी टीम. हाँ, एक चीज़ का अफसोस ये ज़रूर है कि किसी को 2 मैचेस से जज कर लेना, वो आई थिंक टू मच हो जाता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारी हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है.